नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। अगर आप Adobe Premiere Pro इस्तेमाल करते और Adobe Premiere Pro में कभी कभार अचानक जो सिस्टम क्रैश कर जाता है या फिर सेव करने से पहले क्रैश कर जाता है या फिर जब आप रेंडरिंग कर रहे तब वो रेंडरिंग क्रैश कर जा रहा है, तो मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जो अगर आप फॉलो करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त गवाए। अगर आप गैजेटॉल चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियो फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो गैजेटॉल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, जैसे कि ये मेरा एक प्रीमियर प्रो का प्रोजेक्ट है, जब मैं इसे रेंडरिंग करूँगा, देखिए मैं इसमें कुछ इफेक्ट दे रहा हूँ, इफेक्ट वन, इफेक्ट टू। देखिए ये रेंडरिंग हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि रेंडरिंग पूरा क्रैश कर जाता है, मतलब ये जो लिखा आ रहा है ये पूरा कहेगा रेड मार्क आएगा और दिखाएगा कि रेंडरिंग फेल्ड। तो उसके लिए आपके पास जो सॉल्यूशन है वो है फाइल में क्लिक कीजिए, यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट सेटिंग्स जनरल, यहाँ पर जो लिखा है मर्क्यूरी प्लेबैक इंजन GPU, इसका मतलब आपके पास डेडिकेटेड GPU है। हो सकता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसे आप मर्क्यूरी प्लेबैक इंजन सॉफ्टवेयर ऑनली इस पर सिलेक्ट कर दीजिए। इस पर सिलेक्ट करने से जब आप रेंडरिंग करेंगे तो ऐसा होगा कि जो रेंडरिंग स्पीड है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन आपका रेंडरिंग 100% कंप्लीट हो जाएगा। और एक और टिप देता हूँ, सोचिए कि कभी कभार ऐसा होता है जब भी आप प्रीमियर प्रो के फाइल को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, एक्सपोर्ट करने के बाद जैसे ही आपने इस ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये पूरा का पूरा मशीन हैंग हो गया, मतलब क्रैश हो गया। तो उसके लिए मैं जो टिप्स फॉलो करता हूँ, हर एक जैसे ही पूरा प्रोजेक्ट हो गया फाइल में जाइए, सेव कीजिए, एक कॉपी सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर सेव एज पर जाइए, यहाँ पर फाइल का एक नाम दीजिए, कोई भी नाम, जैसे मैं दे रहा हूँ GG, सेव कीजिए। सेव हो गया, अब इसे क्लोज कीजिए, यहाँ पर GG ढूंढिए, देखिए ए वाला फाइल, इस फाइल पे क्लिक कीजिए। अब अगर इसे यहाँ पर जाके एक्सपोर्ट करेंगे तो एकदम प्रॉब्लम फ्री एक्सपोर्ट हो जाएगा, वरना कभी कभार होता है कि जैसे ही आप फाइल को एक्सपोर्ट करने जाए तो आपका मशीन पूरा हैंग हो जाता है या फिर क्रैश हो जाता है या फिर सॉफ्टवेयर ऑफ हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है वो सेव नहीं रहता, मतलब पिछले लास्ट टाइम जो सेव हुआ था वही सिस्टम में याद रहता है, मतलब जो आपने जितने देर तक मेहनत की वो सारा का सारा मेहनत बेकार जा सकता है। इसीलिए एक्सपोर्ट करने से पहले एक सेव कीजिए और एक सेव एज कीजिए, सॉफ्टवेयर को ऑफ कर दीजिए और लास्ट जो सेव किया है उस फाइल को खोलिए, तो इससे आपके जो क्रैश प्रॉब्लम है प्रीमियर प्रो में वो कम हो जाएगा। उम्मीद है आज के वीडियो को पसंद आया होगा, अगर वीडियो को पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपको जो भी विचार है इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।